myself Mukesh Singh into CNG business from last 23 years, located in West Delhi in Pashim Vihar and Swanpath, and we are government authorized. दोस्तों आज जो मैं गाड़ी लेके आया हूँ, दिस इज़ होंडा सिटी. होंडा सिटी इज़ एक्चुअली मेंट फॉर CNG. जितनी कामयाब होंडा सिटी के अंदर है शायद ही किसी गाड़ी के अंदर है. मेरा मेन मकसद होंडा के अंदर दिखाने का ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स मैंने 10 चीज़ें एक्स्ट्रा लगाई है जस्ट टू मेक इट सक्सेसफुल एज सक्सेसफुल. इसके अंदर जो है मैं दिखाता हूँ. नंबर वन, इसके अंदर मैंने गैस फिल्टर लगाया. वाई गैस फिल्टर? बिकॉज वॉट एवर गैस इज कमिंग थ्रू द पाइप टू द पम्प एंड इट्स सिलेंडर में यहाँ आ रहा है तो ये फिल्टर होके जाए. क्या होता है, जो पाइप से गैस आ रही है, टोटल पाइपलाइन है CNG पम्प्स में. सॉरी. अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि गैस जो है फिल्टर होके वो एग्जैक्टली जो भी गैस जाएगी वो प्योर गैस जाएगी, तो इंजन का लाइफ बढ़ा रहेगा. नहीं तो क्या होता है, वाल गाइड में ये सारा जो है मिल जाएगा और इसकी लाइफ, इंजन की लाइफ कम होता चला जाएगा. नंबर वन गैस फिल्टर. नंबर टू एडवांसर. वाई एडवांसर? एडवांसर लगने, देखो बड़ी गाड़ी में, 1496 की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी में क्या होता है कि कोई मैक्सिमम लोग एडवांसर नहीं लगाते हैं. क्यों नहीं लगाते हैं कि बड़ी इंजन है, इसमें एडवांसर की क्या ज़रूरत है. लेकिन लैक करता है, एडवांसर मस्ट है. आप सेकेंड गियर में गाड़ी उठाते हैं तो वो 5-6 सेकंड लगता है उसको पिकअप बनने में. और दिल्ली जैसे सड़कों में तो हर एक 10 कदम में आपको ब्रेक लेना है, सेकंड गियर में उठाना है. तो वो लैग ख़त्म करने के लिए एडवांसर है. नंबर थ्री, इसके अंदर मैंने जितने भी वायरिंग करी है, सी यहाँ से आपका ECM से वायर जा रहा है, मतलब यू सी द क्राफ्टमैनशिप. सारे वायरिंग जो है ट्रिपल लेयर स्लीविंग में है. क्यों? क्योंकि इस मई जून जुलाई के गर्मी के हीट में दो तार आपस में चिपके नहीं, वायर शॉर्ट सर्किट ना हो, वो इसलिए किया है. ये परफेक्शन इसलिए है. चौथा, इसके अंदर ईजियर वाल लगाया. ये केवल होंडा में लगता है. होंडा की कोई गाड़ी 2014 मॉडल के ऊपर है तो उसके अंदर ये ईजियर वाल मस्ट है. देखो ये ईजियर वाल का वैक्यूम ये जा रहा है. ईजियर वाल ये अगर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी झटके लेगी. अगर कोई भाई बंधु अगर कहीं से भी किट लगवाया हो और उसके अंदर अगर झटके ले रही है तो गेट दिस इंस्टॉल्ड. नंबर फाइव, इसके अंदर मैंने कूलेंट कनेक्शन किया है. वाई कूलेंट कनेक्शन? बिकॉज सर्दियों में खासकर और ये मॉनसून में आपका जो भी गैस सिलेंडर से यहाँ आ रहा है वो जम जाएगा, तो ये जमने नहीं देगी और गैस की फ्री फ्लो रहेगा. नंबर सिक्स, इसके अंदर हमने जो भी वायरिंग करी है सारा कपलर टू कपलर है. और नंबर सेवन, इसके अंदर अंदर एक रिले लगाया है, दिखाता हूँ मैं. इसके अंदर ये रिले लगाया है, AB का रिले. अभी इस रिले के क्या फंक्शन है मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ. अब ये देखो, ये गाड़ी स्टार्ट है यहाँ पे, दिस इज़ नाउ इन पेट्रोल, ठीक है. अब इसके अंदर आप एक चीज़ देखो, कोई भी इसके अंदर कोई RPM फ्लक्चुएशन नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है. अब इसके अंदर मैंने एक्सीलेटर लिया, नाउ दिस इज़ इन गैस. हाँ, अब क्या है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ. मैं इसके जो आफ्टर 15 सेकेंड्स ये जो पेट्रोल आ रही है बता रहा है, ये पेट्रोल निल हो जाएगा गैस पे. और जब भी मैं पेट्रोल पे करूँगा एग्जैक्ट पेट्रोल बताएगी ये यहाँ पे. अब ध्यान देना, आफ्टर 15 सेकेंड्स ये निल हो जाएगा. आफ्टर 15 सेकेंड्स अब ये निल है, ठीक है. और जैसे ही मैं पेट्रोल पे करूँगा, आफ्टर 15 सेकेंड्स, अब ये स्विच पेट्रोल पे, आफ्टर 15 सेकेंड्स जितनी पेट्रोल है उतनी बताएगी. देन पेट्रोल नाउ, अब एग्जैक्ट कितनी पेट्रोल है वो बता रहा है यहाँ पे. तो इससे क्या है, ये रिले लगने के बाद देखो मेन प्रॉब्लम क्या है होंडा के अंदर. होंडा का जो फ्यूल सेंसर है वो व्हील के साथ कनेक्टेड है. गाड़ी जब भी आप चलाओगे CNG पे, आपका पेट्रोल डाउन होता चला जाएगा. तो ये रिले लगने के बाद आप जब भी गाड़ी पेट्रोल पे करोगे एग्जैक्ट आपको पेट्रोल बताएगी. अब मैं पीछे बताता हूँ. इसके अंदर जो सिलेंडर हमने प्लेस किया है, 14 kg का सिलेंडर प्लेस्ड है. इसके अंदर जो स्टैंड लगाया हमने, पाइप का स्टैंड लगाया, सीधा स्टैंड, मतलब पाइप के स्टैंड में क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, प्रॉपर फिट आता है, कम्पैक्ट लुक सॉलिड है. इसके अंदर जो नट बोल्ट लगाया हमने, TVS नाइलो लॉक नट बोल्ट लगाया. इसके अंदर डक्टिंग किया,
वो डक्टिंग इसलिए कि कभी गैस अगर एक्सेस आती है तो यहाँ से लीक होने का चांसेस होते हैं, वो डक्ट से बाहर आ जाएगा। प्रॉपर फिट है, दिस इज़ होंडा सिटी एट इट्स परफेक्ट बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।